बजेंद्र सिंह मेरा ड्राइवर होता था, बजेंद्र सिंह मेरी गाड़ी चलाया करता था। लेकिन एक पास्टर अपना ही नाम करी जा रहा था, मैं ही उनका स्पिरिचुअल फादर, मैं ही उनका स्पिरिचुअल फादर, मैंने ही सब कुछ किया है, मेरा पास्टर आ गया है। आज से पवित्र आत्मा, जो तूने कहा नेपाल में, मेरे प्रभु आज से पवित्र आत्मा, मेरे प्रभु आज से पवित्र आत्मा। दोस्तों, आज की ये वीडियो इतनी इम्पॉर्टेंट होने वाली है कि अगर आप इस वीडियो को छोड़ देंगे तो बहुत कुछ मिस कर देंगे, और अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा जो आज पाखंडी यीशु मसीह के नाम पर पाखंड कर लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, वो कैसे शरेआम कलीसिया के अंदर झूठ बोलते हैं और सामने बैठे लोगों को पागल समझते हैं, उनको मूर्ख बनाते हैं। इनको आप नहीं जानते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। प्रोफेट बजिंदर सिंह, इनके और इनके फॉलोअर्स के हिसाब से बजिंदर सिंह से ज्यादा सामर्थी कोई दास प्रभु का है ही नहीं इस दुनिया में। किराए पर लोगों को लाकर के व्हीलचेयर से खड़े कर देने वाले इस प्रोफेट को मुझे तो प्रोफेट बोलने में भी शर्म आती है। आए दिन दोस्तों हम इस व्यक्ति की बेहुदा हरकतें देखते रहते हैं, कैसे स्टेज पर यह व्यक्ति बेहुदा हरकतों को करता है, चाहे वो खुद करना हो, चाहे वो बॉलीवुड के एक्टरों को बुला करके करवाना हो। लेकिन सच बोल रहा हूँ दोस्तों, इस बार तो इस व्यक्ति ने बिल्कुल हद पार कर दी है। मतलब इतना बड़ा शरेआम झूठ बोलना एक खुदा के दास के लिए, वो भी वेदी पर से जहाँ से लोग उसको सुनने के लिए बैठे हैं, जहाँ से वो बाइबल से शिक्षा देता है, वहीं से खड़ा होकर के दोस्तों इस व्यक्ति ने ऐसा झूठ बोला है, जो कि आज मैं आपको दिखाऊंगा और एक्सपोज करूंगा इस व्यक्ति को, इस प्रोफेट को। अभी जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका नाम है शंकर कार्की। ये वही व्यक्ति है दोस्तों जिसने बजिंदर सिंह को जेल के अंदर यीशु मसीह के बारे में बताया था, मतलब जिससे इस व्यक्ति ने सुसमाचार सुना था, इस प्रोफेट ने सुसमाचार सुना था। शंकर कार्की 29 सितंबर को प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में जाते हैं, और उसी दिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, शाम को उस मीटिंग में जाने से पहले दिन में बिशप विजय इमानुअल जी के लाइव में ये व्यक्ति जो शंकर कार्की है कमेंट करते हैं कि मुझे आपसे मिलना है, जिनको आपने बत्तिस्मा दिया था, मैं शंकर कार्की हूँ। मतलब बिशप विजय इमानुअल जी से शंकर कार्की ने भी बत्तिस्मा लिया। यहाँ पर अभी आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, शंकर कार्की ने जो कमेंट किए हुए हैं वो उनके कमेंट्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं, साफ साफ यहाँ पर आपको पता लग रहा होगा। 29 सितंबर के संडे को बिशप जी के लाइव में ये कमेंट किए गए थे उनके द्वारा, और शाम को चंडीगढ़ वाली चर्च में प्रोफेट बजिंदर सिंह की वो पहुंच जाते हैं। कमेंट में आप पढ़ सकते हैं वो दुबई से आए थे। अब दोस्तों जो हमारे प्रॉफिट साहब हैं, इनको अपना स्पिरिचुअल फादर बताते हैं। हालांकि दोस्तों शंकर कार्की और प्रॉफिट बजिंदर सिंह को दोनों को एक साथ बत्तीसवां बिशप विजय मानवल जी ने दिया, लेकिन अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा प्रॉफिट बजिंदर सिंह की, उसमें वर्डिंग सुनिएगा। अभी आप ये वाला वीडियो देखिए। मुझे जब पता लगा, जब मैं इंग्लैंड जा रहा था कि ये मुझे मिलने के लिए आए हैं, इसको पता लगा कि भाई प्रॉफिट जी से मिलना है। लेकिन एक पास्टर अपना ही नाम करी जा रहा था, मैं ही उनका स्पिरिचुअल फादर, मैं ही उनका स्पिरिचुअल फादर, मैंने ही सब कुछ किया है। इसको भी रोक दिया उसने मिलने के लिए, इसको आने नहीं दिया। लेकिन ये बेचारा ढूंढ ढूंढ के कहीं ना कहीं से, तो आज मेरा पास्टर आ गया। इसमें दोस्तों ये व्यक्ति जो ये प्रॉफिट बोलता है अपने आप को, शंकर कार्की जी को अपना स्पिरिचुअल फादर बता देता है, और इस बात को बोलता है कि एक पास्टर है जो कि मेरे ऊपर थोपता रहता है कि मैं इसका स्पिरिचुअल फादर हूँ, मैं इसका स्पिरिचुअल फादर हूँ, लेकिन मुझे आज मेरा स्पिरिचुअल फादर मिल गया। ऐसा दोस्तों बजिंदर सिंह का कहना है इस वीडियो में। मतलब शंकर कार्की को अपना स्पिरिचुअल फादर इस व्यक्ति ने बता दिया और बिशप विजय इमानुअल को बिल्कुल साइड कर दिया। लेकिन आज दोस्तों मैं आपको इसी झूठ की पोल खोल करके दिखाऊंगा, और आपको पता लगेगा कितना बड़ा झूठा इंसान है ये। जरा आप दोस्तों यहाँ पर इस वाली वीडियो के अंदर देखिए, यहाँ पर बिशप विजय इमानुअल बजिंदर सिंह के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और ये बजिंदर सिंह यहाँ पर गिरता है। अभी आप स्क्रीन पर चल रही इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं। अभी मैं रुका नहीं हूँ दोस्तों, अभी तो और वीडियोस मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ, और तस्वीरें मैं आपको अभी ऐसी दिखाऊंगा। लेकिन और वीडियोस और फोटोज दिखाने से पहले मैं आपको बजिंदर सिंह की तमीज दिखाना चाहता हूँ कि आखिर एक पास्टर होकर के क्या तमीज है बजिंदर सिंह के पास। पहले आप ये वाला वीडियो देखिए। अब तो मोटा हो गया थोड़ा, लेकिन इसका प्यार, इसने जो मेरे लिए किया, परमेश्वर इसको आशीष दे। अभी दोस्तों आपने ये वाला वीडियो भी देख लिया। अभी इसी व्यक्ति को दोस्तों बजिंदर सिंह ने अपना स्पिरिचुअल फादर बताया, और अब इसी व्यक्ति को वो तू तू करके बुलाता है। क्या आप कभी भी अपने पास्टर को, अपने स्पिरिचुअल फादर को, जिसने आपको मसीह में पाला पोसा हो, जिसने आपको मसीह के वचनों से भरा हो, क्या आप कभी भी उसके साथ तू तड़ाके से बात कर सकते हैं क्या? मेरी तो हिम्मत नहीं है कि मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ ऐसे बात कर लूं। स्पिरिचुअल फादर तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अपने खुद के पिता से भी बढ़ करके होता है। उसके साथ हम तू तड़ाके से बात करें हो ही नहीं सकता। ये प्रॉफिट कैसे तू तड़ाके से बात करता है शंकर कार्की जी से, आपने इस वीडियो के अंदर देखा। अगर आप अभी भी वीडियो को देख करके अंधा बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं।
कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं तो वीडियो आपको दिखाऊंगा, मैं तो आपको सच्चाई दिखाऊंगा। अभी दोस्तों बस नहीं हुआ है, मैंने आपको बोला आज हम रुकेंगे नहीं, आज एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वाला वीडियो जरा आप देखिए, दासी के लिए। और इसी समय परमेश्वर आज से पवित्र आत्मा, जो तूने कहा नेपाल में मेरे प्रभु, आज से पवित्र आत्मा। अभी आपने ये वाला वीडियो देख लिया, क्या कोई भी सन, स्पिरिचुअल सन, आत्मिक बेटा अपने आत्मिक पिता के सिर पर हाथ रख करके प्रार्थना कर सकता है? क्या ऐसा हुआ है कभी? क्या आपने बाइबल में ऐसा कहीं देखा है? क्या यीशु मसीह अपने चेलों से अपने सिर पर हाथ रख करके प्रार्थना करवाता था? क्या चेले यीशु मसीह के सिर पर हाथ रख सकते थे? क्या उनके अंदर इतनी हिम्मत थी? तो आखिर ये प्रॉफिट कैसे अपने स्पिरिचुअल फादर के सिर पर हाथ रख कर प्रार्थना कर सकता है? कोई भी बुद्धिजीवी जो इनको फॉलो करने वाला हो, अंधभक्त हो, जरा मुझे बता दे इस बात को कमेंट में, मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा। आखिर कोई स्पिरिचुअल सन, कोई आत्मिक बेटा अपने आत्मिक पिता के ऊपर, सिर के ऊपर हाथ रख के कैसे प्रार्थना कर सकता है? एक बार मुझे इस बात को बता दीजिए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, बहुत लोग इस बात को सोचते हैं कि ये प्रॉफिट हर संडे किसी ना किसी लंगड़े को चलाता है। मैं आपको एक बात दावे से बताना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग फुल टाइम मिनिस्ट्री में हैं और हम इस प्रॉफिट को बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैसे ये पैसे दे करके लोगों को स्क्रिप्टिंग करा करके व्हील चेयर से उठाता है। और मैं आपको बता दूं, वो दिन भी दूर नहीं जिस दिन मैं इस व्यक्ति का भांडा उन लोगों से ही फुड़वाऊंगा जिन लोगों को ये पैसे दे करके व्हील चेयर से खड़ा करता है, जिन लोगों की ये झूठी चंगाई करता है और अपने यहाँ पर भीड़ को इकट्ठी करता है। वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं, मेरे चैनल से ही वो वीडियो आप देखेंगे। अब दोस्तों बात आती है स्पिरिचुअल फादर पे, कि आखिर असलियत में स्पिरिचुअल फादर है कौन। अब ये डिसाइड मैं नहीं करूंगा, आप लोग करेंगे। जरा अब इन तस्वीरों को देखना शुरू कीजिए। ये हमारे झूठे मक्कार प्रोफेट साहब, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिशप विजय मानुअल जी के साथ कैसे गले मिल करके नाच रहे हैं। इन तस्वीरों में देखिए जरा प्रॉफिट साहब किन के साथ खड़े हैं, किनकी पत्नी के साथ खड़े हैं। अब कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि आखिर ये फोटो देख करके कहां पता लगता है कि स्पिरिचुअल फादर बिशप विजय मानुअल ही होंगे। कोई बात नहीं, अभी आपकी वो शंका भी दूर कर देते हैं। जरा इस शादी वाली फोटोज को देखिए, यहाँ पर जरा आप देखिए कौन रजिस्टर पर साइन करवा रहा है इनसे, शंकर कार्की या फिर बिशप विजय मानुअल। जरा इस वाली फोटो में देखिए कौन यहाँ पर इन दोनों के लिए दुआ कर रहा है, शंकर कार्की या फिर बिशप विजय मानुअल। जरा यहाँ पर देखिए, इस फोटो में आपको कहीं शंकर कार्की दिख रहे हैं क्या? अगर स्पिरिचुअल फादर शंकर कार्की हैं तो बिशप विजय मानुअल जी से क्यों शादी पढ़वाई, क्यों 5-7 साल तक बिशप विजय मानुअल जी की गाड़ी चलाई? और आज के समय में दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस व्यक्ति का ऐसा बयान सुन करके कि एक पास्टर मुझ पे थोपता रहता है कि मैं इसका स्पिरिचुअल फादर हूं, उसका स्पिरिचुअल फादर हूं। इस बयान को सुन करके दोस्तों बिशप विजय मानुअल जी का एक फैसला है, वो कभी भी अपने आप को इसका स्पिरिचुअल फादर नहीं बताएंगे, बल्कि यही बताएंगे कि ये उनका ड्राइवर था। जरा आपको मैं इस क्लिप में भी एक बार सुनाना चाहता हूँ, एक बार ये वाली क्लिप देखिए। एक बार एक पास्टर के साथ एक चर्च में गया और इसमें वो प्रचार करने के गया, उसका ड्राइवर था वो लड़का आपके सामने खड़ा है, वो पादरी जिसकी कहानी मैं आपको सुना रहा था। बजेंद्र सिंह को कितने लोग जानते हैं यहाँ पर? कितने लोग बजेंद्र सिंह को जानते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, बजेंद्र सिंह 8-9 साल पहले मेरा ड्राइवर होता था। बजेंद्र सिंह मेरी गाड़ी चलाया करता था और मैं उसको बहुत प्यार करता था, उसके लिए प्रार्थनाएं करता था। और जब वो मेरी गाड़ी चलाया करता था तब भी मैं उसके सिर पर हाथ रखकर आंसुओं के साथ दुआ करता था कि प्रभु ये तेरा दास बन जाए। अभी इस क्लिप में भी आप सुन चुके हैं दोस्तों, अब तो मैं खुद इस बात को बोल रहा हूँ कि बिशप विजय मानुअल कभी भी प्रॉफिट बजेंद्र सिंह के स्पिरिचुअल फादर नहीं थे, बल्कि बिशप विजय मानुअल का तो ये व्यक्ति ड्राइवर था। अगर आत्मिक बेटा होता तो कभी भी ऐसे झूठे चमत्कार करके लोगों को पागल नहीं बनाता, झूठी भविष्यवाणियां करके लोगों को मूर्ख नहीं बनाता, ये तेल पानी सेब नहीं बेचता, क्योंकि आज तक बिशप विजय मानुअल ने ये सब नहीं बेचा। अगर उनका आत्मिक बेटा होता तो पता होता कि स्टेज पर किसको बुलाया जाता है, किसको नहीं बुलाया जाता है, वेदी पर किसको बुलाना चाहिए, किसको नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि इसकी तरह बॉलीवुड के एक्टरों को बुला करके राम के नारे कभी बिशप विजय मानुअल ने नहीं लगवाए चर्च में, ना ही उनसे गालियां दिलवाई और गालियों के पीछे हालेलुया बुलवाया, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये सब चीजें कहां हुई हैं हमारे आदरणीय प्रॉफिट बजेंद्र सिंह के यहाँ पर। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये व्यक्ति बिशप विजय मानुअल का आत्मिक बेटा होता तो इसको पता होता कि गरीबों से 25-50 हजार रुपए नहीं लिए जाते हैं प्रार्थना के लिए, अपने झूठे हाथ उनके सिर पर रखने के लिए।
बाकी मैं आज आपसे नहीं पूछूंगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। बहुत लोगों को तो ये वीडियो कांटे की तरह चुभा होगा क्योंकि उनको सच्चाई पसंद नहीं, और जिनको सच्चाई पसंद है वो इस वीडियो को लाइक करके जरूर शेयर कर दें।